जय श्री द्वारकाधीश की जय। आज 15 अगस्त है बोल के देखिए, मंदिर के ऊपर जो ध्वज लहरा रहा है ये तिरंगा है। इधर से सीधा रास्ता है मंदिर की तरफ, ये वाला सीधा रास्ता, ये वाला मंदिर का एंट्री गेट। टूर खत्म करके आ गए दोस्तों। टूर खत्म करके आने के बाद ये देखिए पीछे जो रास्ता है ये वाला, यहाँ पे ही छोड़ेगा आपको। ये चौक पे छोड़ने के बाद ये जो सीधा रास्ता है, ये सीधा रास्ता जा रहा है द्वारकाधीश टेम्पल के पास। और उसके बाद मैं कल सोमनाथ जाने वाला हूँ, तो मैं सोमनाथ का वो बस का भी देख रहा था, बस बुकिंग करने के लिए, क्योंकि एडवांस नहीं बुकिंग करने से मिलता भी नहीं है, तो मैं इसीलिए ट्रैवल्स से पूछ रहा था। बहुत सारा ट्रैवल्स आपको मिल जाएगा इधर सोमनाथ के लिए, सोमनाथ का बस मिलेगा, हर जगह का बस मिलता है इधर से। द्वारकाधीश टेम्पल के बाहर आ गया हूँ, और मंदिर के अंदर तो कैमरा वगैरह अलाउ नहीं है, तो बाहर से ही आप लोगों को दिखाऊंगा जो है नज़ारा मंदिर का। मैं आप लोगों को थोड़ा अच्छे से दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए चारों तरफ का माहौल कुछ ऐसा है, यहाँ पे आप लोग कुछ सामान ले सकते हैं, प्रसाद ले सकते हैं, इधर से प्रसाद का दुकान है, ठीक है, सब कुछ इधर है। और ये है मंदिर। आज 15 अगस्त है बोल के देखिए, मंदिर के ऊपर जो ध्वज लहरा रहा है ये तिरंगा है। वो उस तरफ से मेन एंट्रेंस है, वो देखिए आदमी सब आ रहे हैं, वहाँ से आके ये चेक बॉक्स है, ये चेक बॉक्स से चेकिंग होने के बाद यहाँ से जाना पड़ता है। यहाँ पे देखिए द्वारकाधीश टेम्पल लिखा हुआ है, ये देखिए ये है मंदिर का मेन द्वार। द्वारकाधीश मंदिर, जिसको जगत मंदिर भी बोला जाता है, हिंदू धर्म में चार धामों में से एक धाम माना जाता है, जो कि लॉर्ड कृष्णा या भगवान कृष्णा को डेडिकेट किया गया है, जो कि यहाँ के राजा थे। इसका जो ओरिजिनल मंदिर है वो 200 BCE के पहले का है आर्कोलॉजिकल सर्वे के हिसाब से। और ये जो अभी नया मंदिर है जो हम देख रहे हैं, इसको 15th से 16th century के बीच में भगवान श्री कृष्ण के ग्रैंडसन वज्रनाभ के द्वारा बनाया गया था। और जो ओरिजिनल मंदिर है उसको डिस्ट्रॉय किया था महमूद बेगादा ने, जो 1472 century में। पुराने मंदिर की कुछ टूटा हुआ अवशेष आप लोगों को मंदिर के मुख्य द्वार के बगल में ही दिख जाएगा। दोस्तों अभी मैं दर्शन करके आ गया द्वारकाधीश का। अभी यहाँ पे जो बाहर जो दुकानें हैं जहाँ पे मिठाई वगैरह मिलता है, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपके जूते ये सब जो दुकानें हैं यहाँ पे मैं रखा था इस दुकान में, तो यहाँ से आप प्रसाद भी ले सकते हैं, और प्रसाद के साथ साथ आपके जूते और जो कैमरा बैग ये सब भी फ्री ऑफ कॉस्ट लोग रखते हैं, तो यहाँ पे रख के फिर आप लोग अंदर जा सकते हैं पूजा देने के लिए। तो मैं शयन अभी आरती हो रहा था सोने का, भगवान अभी 9:30 बजे सोते हैं, तो 9:30 बजे शयन आरती हो रहा था, तो मैं वो देख के आया। तो अभी देखता हूँ, अगर सुबह मौका मिलता है तो फिर आऊँगा, बाहर का एक व्यू दिखाने के लिए आप लोगों को ज़रूर आऊँगा मैं, क्योंकि अभी शाम हो गया है तो रात का जो बाहर का नज़ारा है वो उतना खूबसूरत नहीं दिख रहा है, तो बाहर का मैं मंदिर को एक बार आप लोगों को दिखाने के लिए अच्छे से ज़रूर आऊँगा मैं। ये देखिए ये रोड जाता है जो मेन चौक है ना, जहाँ से बस ऑटो ये सब कुछ मिलेगा, ट्रैवल एजेंसीज़ का ऑफिसेस है, जहाँ से आप लोग द्वारका घूमने के लिए या सोमनाथ घूमने के लिए बस वगैरह मिलेगा आप लोगों को, तो वो सब इधर ये रास्ते से जाता है। ये रास्ते में आप लोगों को बहुत सारे शॉप्स मिल जाएंगे, ऐसे भगवान के मूर्तियाँ, भगवान के फ़ोटोज़, फिर दूसरे कपड़े सब कुछ मिल रहे हैं इधर। ये देखिए इस होटल में दोस्तों मैं पाव भाजी खाया, बहुत खूबसूरत था, बहुत ही टेस्टी था। जो मंदिर से आने के लिए जो रास्ता है ना चौक की तरफ, ये मैं सामने आप लोगों को चौक दिखा रहा हूँ जो बता रहा था मैं, उसी चौक में आते हुए ये सामने ही राइट हैंड साइड में ये दुकान है, एक बूढ़े आदमी हैं चाचा, तो उनका पाव भाजी रियली में बहुत टेस्टी है। 115 रुपये का लिया, एक पाव मेरा एक्स्ट्रा था,
इसीलिए 15 रुपया अलग से लिया, नहीं तो 100 रुपीज़ उसका प्राइस है पाव भाजी का एक साथ। पहले प्लेट में 2 पाव मिलता है और प्लेट भाजी मिलता है, तो बहुत टेस्टी है, मेरे तो मुंह में अभी भी लगा हुआ है। आप लोग भी अगर आओगे तो ज़रूर ट्राई करो इधर ये पाव भाजी। ये चौक है दोस्तों, ये वाला चौक का बात कर रहा था मैं, इधर से सीधा रास्ता है मंदिर की तरफ, ये वाला सीधा रास्ता। और दोस्तों इधर से सीधा जाते ही आपको मेन रोड मिल जाएगा, जहाँ पे जो ट्रैवल्स हैं उनका ऑफिसेस है, फिर बस मिलेगा आपको, सब कुछ मिलेगा। ये देखिए, ये सामने दूर आप लोगों को बस दिख रहा होगा, ये देखिए वो वहाँ पे बस मिलता है, वहाँ पे ट्रैवल्स का ऑफिसेस है, फिर होटल्स है, सब कुछ है वहाँ पे। तो यहाँ से आने के बाद मेन रोड ये है, मेन रोड से आओगे फिर आपको वो चौक मिलेगा, चौक से सीधा जाओगे, फिर थोड़ा एक लेफ्ट लेना है, फिर स्ट्रेट जाना है उसी रोड पे, फिर आपको आप लोग जो है द्वारकाधीश मंदिर में पहुंच जाओगे। तो मैं अभी टिकट तो नहीं लिया सोमनाथ का, एक दो जगह पे पूछा, वो छोटा गाड़ी का बता रहे थे 250 रुपया, 270 रुपये ऐसा बता रहे थे। तो मैं देखता हूँ फिर और भी कोई दूसरा जगह पे ट्राई करता हूँ कितने टिकट का प्राइस बोलते हैं, देखता हूँ उसके हिसाब से फिर टिकट लेता हूँ। बाकी मैं दोस्तों पूरा अभी देख लिया, मैं इधर यहाँ पर जितने भी ट्रैवल्स हैं सब मैं लगभग देख लिया हूँ। सीट किसी का पीछे एकदम है, एकदम पीछे की तरफ है, सीट किसी का नहीं है। मतलब मैं सोच रहा था कि जो है शाम के वक्त का कोई बस का, क्योंकि द्वारका टेंपल में और एक बार जाने वाला हूँ सुबह, और यहाँ का आसपास का कुछ और जगह भी मुझे एक बार देखना है, जो एक दो जगह रह गया है, तो इसीलिए मुझे सुबह 7:30 या 8 बजे का वो जो है वो सही नहीं होगा। इसलिए मैं सोच रहा था कि जो है दोपहर का कोई बस में जाऊंगा, पर दोपहर में कोई इधर बस नहीं मिल रहा है। 2:30 बजे का जो बस है उसमें भी टिकट अवेलेबल नहीं है, वो भी 6 घंटा ट्रैवल करना टफ है। कोई बस जो है अच्छा नहीं मिलता है इधर से, मैं जितना ट्रैवल्स में पूछ लिया हूँ, 6-7 कम से कम ट्रैवल्स में तो पूछ ही लिया हूँ, 7-8 ट्रैवल्स में सब बोल रहे हैं कि वही नॉर्मल 2x2 सीटिंग का वो मिनी बस है वो सब मिलता है, और दूसरा कोई बस नहीं है। तो 6 घंटा बैठ के जाना, अगर सीट अच्छा नहीं हो तो फिर मुश्किल है। तो इसीलिए मैं देखता हूँ कल अगर हो सके तो मैं सुबह एक बार ट्राई करूँगा, और उसके बाद नहीं तो फिर जो GSTC की बस है, जो गवर्नमेंट वाला बस है, वो देख लूँगा, वो ले लूँगा। नहीं तो यहाँ का माहौल कुछ इस तरह है, देखिए दोस्तों ये वाला एरिया है, यहाँ पे बहुत सारे होटल्स वगैरह ट्रैवल्स ये सब मिल जाता है, इधर कहीं के लिए भी आपको मिल जाएगा टिकट वगैरह, और फिर इधर से आप सीधा जाओगे तो आपको ये द्वारकाधीश मंदिर का ये रास्ता। कल रात को मैं इधर से आया था, आप लोगों को दिखाया था, तो अभी सुबह मैं इसलिए आ रहा हूँ ताकि अच्छा जो है अच्छा व्यू मिल सके और अच्छे से आप लोगों को दिखा पाऊँ। पीछे का जो जगह है दोस्तों, वहाँ से जो मैं दिखाया वहाँ से आप चलते आओगे तो ऐसा एक चौक जैसा मिलेगा, यहाँ पे देखिए एक चौक जैसा मिलेगा, इधर से सीधा चले जाओगे तो सीधा रोड जा रहा है ना, ये वाला सीधा रोड, ये सीधा रोड इस तरफ जाओगे तो आपको द्वारकाधीश टेम्पल मिलेगा, द्वारकाधीश टेम्पल इस तरफ है, सीधा जाके लेफ्ट लेके फिर सीधा जाना है। ये दोस्तों पीछे रास्ते से वो चौक से आने के बाद यहाँ पे ऐसे एक मिलेगा, यहाँ से आपको लिफ्ट लेना है, लिफ्ट देखिए यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं, सब सुबह का भीड़ है, अभी ऐसे आप लोगों को मिलेगा। इसके बाद ये राइट लेना है, ये वाला राइट, ये वाला राइट लेके सीधा जाओगे तो थोड़ा सामने जाके थोड़ा सा एक लेफ्ट लेना होगा, हल्का लेफ्ट है, तो उसके बाद सीधा फिर द्वारकाधीश टेम्पल। ये देखिए दोस्तों, जैसे मैं बता रहा था यहाँ से आया, यहाँ से आके लेफ्ट थोड़ा सा हल्का सा लेफ्ट लेके बाएं तरफ मुड़ने के बाद ये जो रोड जा रहा है ये वाला सीधा, ये देखिए दोस्तों मैं पहुँच गया, ये है द्वारकाधीश मंदिर। कल मैं शाम को जो आप लोगों को दिखा रहा था, यहाँ से जो है वो जो जगह में उंगली के बराबर जो है वो है एंट्रेंस, वहाँ से एंट्री होके इधर से होके ये मेन द्वार है मंदिर का इस तरफ,
तो ये मेन द्वार से होके आप अंदर जा सकते हो। और यहाँ पे जो शॉप्स हैं जहाँ से आपको प्रसाद वगैरह मिल जाएगा, ये सारे शॉप्स में आप जूते और अपने कैमरा मोबाइल ये सब फ्री में रख सकते हो। यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं लेते हैं, वहाँ से आप प्रसाद ले लो तो वो लोग फ्री में आपके बैग्स वगैरह ये सब रख लेंगे। तो फिर आप अंदर जा सकते हो, जूते वगैरह रख के सब कुछ रख के फिर अंदर जा सकते हो, अंदर में दर्शन कर सकते हो। तो सुबह का जो आरती होता है लगभग 4:30-5 बजे के करीब होता है, और शाम का आरती होता है 6-6:30 बजे। और सुबह से 4:30 से मंदिर खुला रहता है 1 बजे तक, और उसके बाद फिर 5 बजे से खुलता है 9:30 बजे तक। और रात का जो शयन आरती होता है, जो सोने के भगवान जब सोते हैं वो वाला आरती जो होता है वो होता है 9:30 बजे। तो मैं जो शाम को गया था ना कल, तो वो 9:30 बजे का आरती मैं देखा। तो इसीलिए मंदिर के अंदर मैं अभी नहीं जा रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, जो अच्छा नज़ारा नहीं दिखा था या मंदिर अच्छे से नहीं दिखा था, तो इसीलिए मैं अभी आया हूँ कि आप लोगों को अच्छे से दिखा पाऊँ मंदिर। ये देखिए दोस्तों मंदिर के अंदर तो कैमरा वगैरह कुछ भी अलाउ नहीं है, तो मैं इसीलिए बाहर से आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ से। ये देखिए मंदिर का परिसर जो है कुछ इस तरह दिखता है। ये वाला एंट्री गेट है, और यहाँ से आके फिर ये वाला, ये देखिए आज सुबह झंडा चेंज किया हुआ है। कल तो 15 अगस्त था बोल के वो तिरंगा वाला झंडा लहरा रहा था ऊपर, आज देखिए ये देखिए लिखा है द्वारकाधीश मंदिर, श्री द्वारकाधीश मंदिर। ये मेन गेट है, ये देखिए दोस्तों। आप लोग जो नहीं आ पा रहे हो मेरे चैनल के ज़रिए आप लोग देख सकते हो। जय श्री द्वारकाधीश की जय। दोस्तों मंदिर का एंट्री गेट मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार। ये इस तरफ है मंदिर का एंट्री गेट, ऐसे आते हो, ऐसे आने के बाद आप लोगों को सीधा जाना है। ये देखिए ये वाला मंदिर का एंट्री गेट, और वो सामने जो है वो वाला एग्जिट गेट है, ये वाला एंट्री गेट है। ये देखिए दोस्तों ऐसा सारे दुकानें हैं। आप यहाँ पे फोटो वगैरह द्वारकाधीश का वाला फोटो और ये सब ले सकते हैं। ये देखिए और यहाँ पे प्रसाद का दुकान है, ये सारे ये प्रसाद का दुकान है। ऐसे चारों तरफ यहाँ पे दुकानें मिल जाएंगी आपको, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आप पहले बात कर लेना कितना रुपए का प्रसाद है या क्या सामान जो लेंगे वो कितने पैसे का है। अभी मैं लौटने लगा दोस्तों मंदिर से, तो ये देखिए ये कल इसी होटल में मैं खाना खाया था रात को, इसी होटल में जो पाव भाजी खाया था ना, इसी होटल में खाया था। तो अभी क्या करता हूँ मैं इधर सामने जाके ऑटो चेक करता हूँ जो लोकल साइट सीन के लिए, तो देखता हूँ कितना पैसे बोलते हैं। आप लोगों को भी इन्फॉर्मेशन दे दूँगा, और अगर हो सके तो फिर लोकल किसी से पूछ के मैं देखता हूँ कि कितना डिस्टेंस है जो सारे जगह देखने का है वो कितना कितना डिस्टेंस में है, वो सारे चीज़ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ उधर पहुँचने के बाद।